नमस्कार, हमारे क्रिकेट की विशेष प्रस्तुति नीलोसी की आउटसिंग में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है देवाशीष नीलोसी जी, जो मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और उसे कोचिंग भी दे चुके हैं। फिलहाल नीलोसी जी बीसीसीआई लेवल 2 के कोच हैं। नीलोसी जी, आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर, जो रविवार को इंग्लैंड से अपना वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। क्या देखते हैं आप? देखिए, महिला क्रिकेट को जब से बीसीसीआई में मर्जर हुआ है इसका, और जब से बीसीसीआई ने केयर करनी शुरू की है, तब से बहुत फर्क पड़ा है। बच्चियों में भी, लड़कियों में भी एक नया जज्बा पैदा हुआ है कि मुझे अपना, पहले क्या होता था कि क्रिकेट जब बच्चियां खेलना शुरू करती थी तो पेरेंट्स भी कहते थे ठीक है, थोड़े दिनों तक चलने दो, उसके बाद अपना करियर और अपनी चीजों को आप ध्यान रखो। लेकिन अब ये हो गया कि इतनी पब्लिसिटी है, ग्लैमर है, जॉब सिक्योरिटी है, तो पैसा है, तो इसमें इस वजह से क्या हो गया कि पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को एनकरेज करना शुरू कर दिया कि ठीक है, अगर अच्छा खेल रहे हैं तो आप कंटिन्यू करो। तो लड़कियां अपने प्रोफेशन को भी इस रूप में देख रही हैं कि हाँ, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन के हम देश के लिए खेलें, हम अपने प्रदेश के लिए खेलें, तो स्तर बहुत 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 बढ़ गया। नीलोसी जी बता रहे हैं कि बीसीसीआई की कोशिशों का ही एक फल है कि जो हम पिछले कुछ 4-5 साल पहले क्रिकेट का स्तर देखते थे महिला क्रिकेट का, और आज देखते हैं तो उसमें बहुत फर्क है। बीसीसीआई के पास और क्या प्रोग्राम है स्थानीय लेवल पर? जिस तरह से संघीय एक व्यवस्था है बीसीसीआई की, राज्य क्रिकेट संघ को अनुदान भी होता है, वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम, आप खुद बहुत सारे प्रोग्राम से जिस तरह से मेंस क्रिकेट चलता है, उसी तरह वुमेन्स क्रिकेट को भी बीसीसीआई पूरा शेड्यूल जो है, पूरा प्रोग्राम है, वैसा ही है। आप देखेंगे तो सब जूनियर लेवल से क्रिकेट शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ स्टेट का भी अगर एक ढांचा हम देखेंगे, जब एमपीसीए का ढांचा जो हम देखेंगे, तो उसमें सब जूनियर्स का भी है, जूनियर्स भी है, सीनियर्स भी हैं। तो इनके रेगुलर कैंप्स लगते हैं, इनके इंटर डिविजनल टूर्नामेंट जो होते हैं वो जैसे हमारे मेंस के होते हैं उसी तरह से होते हैं, उसी के बेस पे फिर एमपी की टीम बनती है हर सेगमेंट की, चाहे वो सब जूनियर हो, जूनियर हो या सीनियर्स की हो। तो और रेगुलर कैंप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी की वजह से जो खेल का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसी वजह से। बात करें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सेमीफाइनल मैच की, हरमनप्रीत कौर की पारी, लोगों ने कहा कि ये कपिल देव की 175 पारी 1983 वर्ल्ड कप में, तो उससे रिलेट किया। क्या खास रहा, ये अचानक हो गया या इसके पीछे बहुत तैयारी थी, ज्यादा लोग जानते नहीं है? नहीं, तैयारी तो रहती है। देखिए, जब इतने बड़े एक उसको माइलस्टोन को जब अचीव करते हैं तो उसके पीछे पीछे की तैयारी बहुत लंबी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि फ्लूक हो गया या मैंने दस दिन पहले की तैयारी में आपने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या होती है। वहीं जब होता है कि सपोर्ट स्टाफ का भी, कोचेस का भी, आपके आपके पेरेंट्स का, आप जिस एटमॉस्फेयर में या जो सराउंडिंग है जहां आप खेल रहे हो, वहां का भी बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे हम कहते हैं, वहां 1983 के बाद जो भारतीय क्रिकेट का रिवाइवल हुआ था, मुझे ऐसा लगता है क्या कि हो सकता है कि वो रिपीटेशन हो जाए। 1983 में जब कपिल की पारी को हम हरमनप्रीत की पारी पारी को हम कंपेयर कर सकते हैं, और बहुत बेमिसाल पारी थी, जो मैंने तो पूरा मैच देखा और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वुमन क्रिकेट चल रहा है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रही थी, जिस तरह से स्ट्रोक्स खेल रही थी, कुछ जो सिक्सेस हैं वो तो बिल्कुल क्लियर किए, तो आपको तब लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत एक अलग अलग ही किस्म की बैटिंग आपको देखने को मिली है। तो हो सकता है कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का एक रिवाइवल हो जाए और यहाँ से कुछ और नई दिशा मिले, और जिस तरह से उसके बाद भारतीय क्रिकेट में चेंज आया, ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स ने खेलना कपिल को एक रोल मॉडल बना के और जब खेलना शुरू किया, तो वही हरमनप्रीत हो या फिर आपकी मिताली राज हो। आपने रोल मॉडल की बात की, अगर हम भारतीय विमेन क्रिकेट पे बात करेंगे और मिताली राज का जिक्र ना करेंगे तो ये कुछ अधूरा सा होगा। एक तरफ हमारे पास सचिन तेंदुलकर है रोल मॉडल, उसको देख के हमारे बल्लेबाज इस तरह की दुनिया भर में धूम मचाते हैं। अब आए हमारे पास मिताली राज, जैसा कि नीलोसी जी भी कह रहे हैं कि अब राहें खुल जाएंगी भारतीय महिला क्रिकेटरों के लिए, और जो बीसीसीआई के प्रोग्राम है उसके तहत कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मिताली राज को आप इस सफलता का कितना श्रेय देते हैं, क्या डेडिकेशन, क्योंकि कई लोगों को
लगता है कि एक कंसिस्टेंसी जैसे 8 लगातार 38 शतक वो भी महिला क्रिकेट बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता है किसी भी स्तर में आप महिला क्रिकेट खेल रहे हो या पुरुषों का क्रिकेट हो, लेकिन क्या होता है जिस तरह से जो माइलस्टोन आपने अचीव किया है, आज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है किसी भी तरह का किसी भी फॉर्मेट का हो। और उसके पीछे मैंने मिताली को देखा है। अच्छा। मैं बैंगलोर में एनसीए के कैंप जब लेता था तो मिताली भी वहां प्रैक्टिस करती थी, इनके वुमेन्स के कैंप भी लगते थे तो उनको भी हम बहुत क्लोजली वॉच करते थे। तो मिताली में औरों से हटके तो है, और इसीलिए आज वो जिस मुकाम पे है कि आपने जिससे बोला कि हम सचिन से कंपेयर करते हैं, हम राहुल से कंपेयर करते हैं, तो वो टैलेंट तो है। और अगर हम महिला क्रिकेट की बात करें और मिताली राज का जिक्र ना हो, देखिए क्या होता है जैसे वो खेलती है, आप पिछले मैच में 35-40 रन भी बनाती है तो आपको लगता है कि अरे ये तो फेल हो गई है या इसने कुछ अच्छा नहीं कर पाई, और एकदम से आपकी बैटिंग उम्मीदें तो बढ़ती है, लेकिन क्या होता है फिर आपका बैटिंग का वो होता है कि अरे हम रन बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, वो सब चीजें आ जाती है। तो उसमें उस प्लेयर के बारे में ये सोच जो पैदा होता है, ये उसकी जो कड़ी तपस्या है या उसके स्टैटिस्टिक्स है या जो उसका परफॉर्मेंस है, जो अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट पे ही फिर माहौल बनता है कि नहीं अब उसके बिना हमारी टीम अधूरी हो जाती है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को यहाँ तक पहुंचाने में मिताली का बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसे कि नीलोफे जी ने बताया कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद पुरुष क्रिकेट के लिए काफी संभावना बढ़ गई, और फिर हमारी टीम ने कहना चाहिए कि बहुत एक ऐसी यात्रा की जो आज तक जारी है, एक से एक सफलता हासिल की टीम ने, तो अब कुछ महिला क्रिकेट में भी ऐसे होने वाला है। एक बेसिक सवाल ये है नीलोफे जी की हमारे आसपास कई लड़कियां ऐसी हैं जिनमें क्रिकेट की प्रतिभा होती है, तो हमने देखा कि कई बार तो लड़कियों के साथ भी खेलती है, मिताली राज का भी हम किस्सा देखें तो वो यही की लड़कियों के साथ क्रिकेट खेली, तो आसपास जो हमारे क्रिकेट के लिए जो लड़कियां कोशिश करेंगी तो क्या बीसीसीआई क्या प्रोग्राम है, एक स्थानीय लड़की किस तरह से कोशिश कर सकती है? हर एसोसिएशन का अपना एक रोड मैप तैयार रहता है, सीजन होने से पहले एक पूरा फॉर्मेट होता है उनका कि किस तरह से कौन कौन से टूर्नामेंट्स होंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर वर्ग का अपना उनका एक रोड मैप है, तो उसके पहले से उनकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ ऑफ सीजन कैंप भी शुरू हो गए हैं, तो लड़कियों के भी ऑफ सीजन कैंप करते हैं, फिर प्री सीजन भी है और सीजन में तो कैंप चलते ही हैं। तो तैयारी जब आप देखने जाएंगे तो बहुत बहुत स्तर में कोई मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, सारी सुविधाएं जो एक मेंस क्रिकेट में मिलती है वो सारी सुविधाएं उनको है बच्चियों को। आज आप देखेंगे कि इनके साथ में फिजियोथेरेपिस्ट भी जुड़ने लग गई हैं, क्वालिफाइड ट्रेनर्स जुड़ने लग गई हैं, कोचिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो ये जैसे हमने बात की थी कि भाई कोचेज का सपोर्ट स्टाफ, तो सारे ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं। वीडियो एनालिस्ट हो गई हैं, तो लड़कियां वीडियो एनालिस्ट भी हैं। तो जॉब की जो हम बात करते हैं और जो इंटरेस्ट है वो अपना इंटरेस्ट को वो कैरी कर पा रही हैं, तो ये तो सुविधाएं तो पूरी है, जरूरत है सिर्फ प्रतिभा को निखार देने का। एक सवाल आखिरी ये कि कल हमारी टीम इंग्लैंड से फाइनल मैच खेली है, टीम पूरी तरह तैयार है, हर एक खिलाड़ी ने अपना प्रदर्शन किया है, लेकिन सामने वो टीम है जो अपने घरेलू मैदान में खेलेगी, तो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में क्या होने वाला है? नहीं, हम तो भारतीय होने के नाते तो हम तो चाहेंगे कि वही रिपीटेशन हो, और 83 में जो वर्ल्ड कप हमारे पास आया था तो ये वर्ल्ड कप भी हमारे पास आना चाहिए। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जिस तरह से हमारी टीम खेल रही, जिस तरह से हमारी तैयारी है, जिस तरह से मानसिक दृढ़ता जो हमको देखने को मिली है, अगर ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कोई वो नहीं है कि हम कल ये देखें कि हमारी टीम वर्ल्ड कप चैंपियन हो सकती है। मिताली राज और हरमनप्रीत कौर का पे तो जिक्र है ही, उन पे तो सारी उम्मीदें ही। एक नाम और मैं लेना चाहूंगा, झूलन गोस्वामी, लंबे समय से भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रही हैं, तो
क्या कल कमाल दिखा देंगी? बिल्कुल, हम मिताली राज का जिक्र किया, हमने हरमनप्रीत की बात की है, तो हम झूलन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि झूलन का भी एक बहुत बड़ा करियर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद 32-35 साल के आसपास की है, और अभी उन्होंने उनका भी अचीवमेंट हम बुला नहीं सकते हैं कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जो एक बहुत रेयरेस्ट थिंग होती है, और भारतीय क्रिकेट में झूलन गोस्वामी इंडिया की कप्तानी भी की है उन्होंने, तो ये ऐसे रोल मॉडल्स हैं जिनको जिनको देख के जो नई यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, वो इनको सब सामने रख के अपना क्रिकेट का भविष्य बना रही हैं, तो ये लोग सब हम इनको सचिन, सौरभ, राहुल, लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, विराट, एमएस धोनी, इनकी कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि ये महिला क्रिकेट की ये सब तो बहरहाल ये कि कल भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने फाइनल मैच में उतरेगी, और हमारी पूरी शुभकामनाएं, हम तो चाहेंगे जैसे निलोफे जी ने भी कहा कि भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीत ले और यहाँ से महिला क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत हो।